नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विक्टी अड्डा में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेवी हमारे में वैकेंसी आई है, 10th पास जो जो 10th पास वैकेंसी आई है वो भी 300 वैकेंसी आई है, और उसके सिलेबस के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें एंड शेयर कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सिलेबस फॉर मैट्रिक रिक्रूट्स, मैट्रिक रिक्रूट्स मतलब कि MR जो 10वीं 5 में भर्ती होते हैं। जो रिटर्न एग्जाम है वो दो सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में साइंस एंड मैथमेटिक्स है, सेक्शन बी में जनरल अवेयरनेस है। अभी हमें क्वांटिटी के बारे में नहीं पता कि कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, अभी हम केवल हमें सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन ए की बात कर लेते हैं, साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस एंड मैथमेटिक्स में नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण क्या है, यूनिवर्स, यूनिवर्स में जैसे कि प्लैनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सैटेलाइट में हमारा चांद वगैरह, सन, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटीज, इलेक्ट्रिसिटीज क्वेश्चन आएंगे एंड इस एप्लीकेशन आएगा, इसके क्या क्या उपयोग हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्स एंड ग्रेविटेशन के क्वेश्चन आएंगे, न्यूटन लॉ से आएंगे क्वेश्चन, मोस्ट वर्क से आएंगे क्वेश्चन, एनर्जी से आएंगे एंड पावर से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हीट, हीट से क्वेश्चन आएंगे हमारे, टेम्परेचर से क्वेश्चन आएंगे, मेटल एंड नॉन मेटल, जो हमारे मेटल वाले पदार्थ होते हैं फिर नॉन मेटल वाले पदार्थ होते हैं, कार्बन एंड इन इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन आएंगे, मेजरमेंट इन साइंस जो हमारी पद्धति होती है, हमारे मात्रक होते हैं जैसे SI मात्रक होता है, CGI मात्रक होता है, उससे क्वेश्चन आएंगे, साउंड से क्वेश्चन आएंगे, वेव एंड मोशन से क्वेश्चन आएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ में, ये तो हमारा साइंस का पोर्शन था, अब हमारा मैथ में जाता है। मैथ में जाता है कि सिंप्लीफिकेशन, जो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है उससे आएगा, सरलीकरण से आएगा, रेशियो से आएगा, अनुपात से आएगा, अनुपात है समानुपात से क्वेश्चन आएगा, फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन आएगा, लाइनर इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आएगा, फिर इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आएगा, फिर सिंपल मेंसुरेशन आएगा। सिंपल मेंसुरेशन में नॉर्मल 10वीं की इसका सिलेबस केवल 10 पर बेस है, 10वीं जो पास है बस उतना ही सिलेबस आएगा, बाकी बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले। ज्योमेट्री है, मेजर फॉर सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मेडन जो हमारा माध्यिका होती है, मोड से क्वेश्चन आएंगे, इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट से, लॉस एंड परसेंटेज से, वर्क टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन आएंगे, डिस्टेंस से क्वेश्चन आएंगे। ये तो हमारा हो गया सेक्शन ए। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी के। सेक्शन बी में हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले। जियोग्राफी की बात कर लेते हैं, जियोग्राफी में सॉइल, सन, मिट्टी से क्वेश्चन आएंगे, कितने प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे, रिवर से क्वेश्चन आएंगे, माउंटेन से क्वेश्चन आएंगे, पोर्ट से क्वेश्चन आएंगे, इनलैंड से क्वेश्चन आएंगे, हार्बर से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कल्चर एंड रिलीजियस से क्वेश्चन आएंगे, हमारे धर्म हैं कहाँ कहाँ, कौन से धर्म हैं, कब उत्पत्ति, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, इन सबसे क्वेश्चन आएंगे, फ्रीडम मूवमेंट आएगी, जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स हुए, स्वतंत्रता आंदोलन हुए, भारत छोड़ो आंदोलन हुए और सत्याग्रह हुए कई, उनसे क्वेश्चन आएंगे। इम्पॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, इंडिया के लिए जो फैक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि हमारे हमारे इंडिया में से जो हमारी कर्क रेखा गुजरती है, किन किन राज्यों से गुजरती है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हेरिटेज आएगा, आर्ट एंड डांस आएगा कि हमारे कहाँ कहाँ कौन सा डांस होता है, जैसे कि कुचिपुड़ी कौन से देश में होता है और भरतनाट्यम किस किस हमारे स्टेट में होता है। हिस्ट्री की, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, डिफेंस से क्वेश्चन आएंगे, वार से क्वेश्चन आएंगे एंड नेबर से, कौन कौन सी वार से कब हुई, नेबर से क्वेश्चन है, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, अवार्ड जो हमारे समय नोबल अवार्ड इस समय दिए गए हैं उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑथर्स कौन कौन सी बुक अभी पब्लिश हुई है उसके ऑथर कौन है, डिस्कवरी अभी कोई नई खोज हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, डिजीज जो अभी बीमारियाँ चल रही हैं कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर सिंपल क्वेश्चन आएंगे जैसे हमारा खेल मंत्री कौन है, हमारा रेल मंत्री कौन है, इससे क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेजेस से क्वेश्चन आएंगे कि कहाँ पर कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कैपिटल एंड करेंसी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी क्या कैपिटल है, उनकी क्या करेंसी है, कॉमन नेम एंड फुल फॉर्म एंड एवरीवेज, जैसे किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाएगा, MSP का दे दिया जाएगा, फुल फॉर्म पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जाए, जैसे GDP का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर बात होती है इमिनेंट पर्सनैलिटी, इमिनेंट पर्सनैलिटी जो हमारे देश की फेमस पर्सनैलिटी, जैसे कि हमारा हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी हैं,
मोदी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, अमिताभ बच्चन है, ये सब हमारे बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हमारे इंडिया की। फिर नेशनल बर्ड्स हमारा क्या है, नेशनल बर्ड क्या है, एनिमल क्या है, स्पोर्ट क्या है, फ्लावर क्या है, एंथम सॉन्ग क्या है, फ्लैग क्या है, मोनूमेंट क्या है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पोर्ट्स सेक्शन भी दिया गया है, स्पोर्ट्स सेक्शन में चैंपियनशिप जैसे T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, बैडमिंटन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन जीता, ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये गोल्ड मेडल किस किसी ने जीता, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स किस स्पोर्ट में कौन कौन कितने नंबर्स के प्लेयर होते हैं, मतलब कितने नंबर के प्लेयर होते हैं, जैसे बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, इन सबसे क्वेश्चन आएंगे। तो बस इतना ही था सिलेबस, बाकी मैं इसके जो सैम्पल पेपर को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वीडियो अभी मैं डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।